आज मेरे साथ हैं श्रीमती साधना वैद आगरा से। ये एक बहुत जानी मानी लेखिका हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, इनके ब्लॉग के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट शो पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद। तो हम लोग प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, अपने ब्लॉग सुधीनामा के विषय में कुछ बताएं। धन्यवाद अनुराधा। ये ब्लॉग मैंने 2008 में स्टार्ट किया था और उस समय मुझे ब्लॉग जगत के बारे में और ब्लॉग्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये समझती थी कि बस ये एक डिजिटल डायरी है। लेकिन जब उसके ऊपर मैंने देखा कि औरों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं और औरों के अच्छे कमेंट्स आने लगे, तो फिर मैं ज़रा सिंसियर हुई इसके लिए और फिर मैंने उसके बाद उसके ऊपर लिखना नियम से शुरू किया और मुझे अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिली, पाठक भी मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। साधना जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी माँ भी लेखिका थी। जी हाँ, मेरी माँ जो श्रीमती ज्ञानवती सक्सेना किरण, अपने ज़माने की बहुत ही अच्छी लेखिका थी। बहुत कविताएं कहानियां उनकी बहुत पसंद की जाती थी। कई उन्होंने इनाम उनको मिले और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की और उसके शुरू शुरू के बाद की काफ़ी जो प्रसिद्ध कवित्रियों में उनका नाम शुमार है। और जब हम ताशकंद जा रहे थे तो हमें वहाँ पे एक प्रोफेसर मिली थी, विद्या सिन्हा, जो हमारे साथ ही ग्रुप में गई थी। उन्होंने हमें बताया कि वह वहाँ पे देहरादून में एमए के कॉलेज में पढ़ाती हैं, एमए की क्लासेस। तो उन्होंने हमें बताया था कि हमने उनका नाम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वाली जो कवियत्रियों के अंदर उनका सुना है। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेव वर्मा जी जब वहाँ की प्रधान अध्यापिका थी, वहाँ पर पढ़ा था उनसे। तो उनके लेखन में भी उन्होंने अपने बड़े बड़े लेखकों से प्रेरणा ली। बच्चन जी वहाँ पढ़ाते थे, हरिवंश राय बच्चन जी, और महादेवी वर्मा वहाँ की प्राध्यापिका थी और निराला जी थे, और सब काफ़ी बड़े बड़े लोगों से उनको प्रेरणा मिली और हमें उनसे प्रेरणा मिली, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती थी और हम ज़रा सा भी कुछ लिखते थे तो बहुत प्रोत्साहित करती थी हम लोगों को, हमारे बहुत तारीफ़ करती थी और हमेशा प्रेरित करती थी कि अच्छा लिखो, अच्छा करो। तो हमें जो प्रेरणा मिली वो उन्हीं से मिली है। फादर भी हमारे बहुत एनकरेज करते थे। तो माता पिता से ही ये विरासत में लिखने के प्रति और साहित्य के प्रति अनुराग जो है विरासत में हमें अपने मम्मी पापा से मिला है। और ये मैंने अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र किया है। तो जो दोनों बेटे हैं वो भी पढ़ने के बहुत शौकीन हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें अच्छी अच्छी पढ़ी हुई हैं और रिकमेंड भी करते हैं, अभी भी रिकमेंड करते हैं कि ये पढ़ना मम्मी, ये पढ़ना, तो अच्छा लगता है जी। आपने कितनी किताबें लिखी हैं साधना जी? मेरी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 कविता संग्रह हैं, 1 कहानी संग्रह है और 1 बाल कथा उन पर आधारित है। 2 कविता संग्रह जो है, 1 संवेदना की नंदरा पर पहला है और दूसरा है मौन का दर्पण, और 1 कहानी संग्रह है, 3 अध्याय जो आमतौर पे स्त्री विमर्श के ऊपर मैंने लिखा है, और 1 बाल कथाएं हैं जो पुरानी दादी नानी की कहानियां जो मतलब सनातन काल से बच्चे सुनते चले आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बच्चे जो हैं अपनी नानी दादी से जो कहानियां सुनते हैं उनसे काफ़ी सीखते हैं, अच्छे संस्कार उनके अंदर डेवलप होते हैं और अच्छी बातें सीखते हैं शिष्टाचार की और व्यवहारिकता की। तो वो सारी उन कहानियों के माध्यम से मैंने, आजकल बच्चों के पास नानी दादियों के रहने की अवसर बहुत कम है तो इन कहानियों के माध्यम से बच्चे कुछ सीख सकें, वो मैंने उन कहानियों के माध्यम से बताने की कोशिश की। बहुत अच्छे। तो आपने बताया कि आपका एक ब्लॉग है, आप कविताएं लिखती हैं, इतनी साइट है, सारी कविताओं की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? अब प्रेरणा तो जो भी जीवन में जो भी कुछ मुझे घटित होते हुए दिखाई देता है, जो मुझको प्रभावित करता है और जो कहीं मेरे हृदय को जो है कहीं पे कुछ मतलब छू जाता है, उसी पर अपने आप खुद ब खुद कविता बनने लगती है और मैं लिख देती हूँ। हाँ जी, साधना जी, आपको विश्व मैत्री मंच में आपकी कविता संग्रह मौन के दर्पण के लिए पुरस्कार मिला है। कृपया करके इस किताब के बारे में बताइए और ये किताब आपकी अन्य किताबों से कैसे अलग है? अब ये तो जूरी लोग ही बता सकते हैं, कविताएं तो मेरी जो
मतलब मैंने लिखी हैं वो लिखी हैं, जो मुझे विषय मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे पसंद आते हैं, मैं उन्हीं पर लिखती हूँ। और इसमें भी वही कविताएं उसी तरह की कविताएं हैं जो मैंने लिखी हैं। अब जूरीज ने क्यों पसंद किया है ये उसका तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये किताब मेरी पुरस्कृत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रायपुर में विश्व मैत्री मंच का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें इस किताब का लोकार्पण भी हुआ और इसको पुरस्कार भी मिला, तो मुझे मेरे लिए गर्व का विषय है। हम सब के लिए है गर्व का विषय, भारतीयों के लिए। आप इस उम्र में इतना अच्छा लिखती हैं तो आप इस कैसे समय निकालती हैं? बस जो लिखना होता है उसके लिए फिर समय अपने आप निकल आता है, तो घर गृहस्थी के कामों के बाद जो भी समय मिलता है वो इसी के लिए जाता है। और फिर अच्छा पढ़ने के बाद अच्छा लिखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मन में उत्साह भी होता है और जोश भी आता है, तो पढ़ना मेरा पैशन है, किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, पढ़ती हूँ। और फिर जब दिल करता है तो फिर लिखती हूँ, जब लिखना होता है तो फिर मैं रात भी नहीं लिखती, रात को दो दो तीन तीन बजे तक लिखती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लेखक को सुबह का टाइम अच्छा लगता है लिखने के लिए, कुछ लोग रात में लिखते हैं, आपका कोई मुझे प्रिय मुझे, समय है जब आपको लिखना अच्छा लगता जब है? जब मुझे लिखना होता है ना उस समय मेरी नींद गायब रहती है तो ज्यादातर जो है मैंने जो गंभीर लेखन लिखा है वो रात के समय लिखा, रात में। अच्छा, आपने महिलाओं के बारे में काफी लिखा है जी, तो ऐसा क्यों, आपने क्यों उसको चुना महिलाओं के विषय में लिखना? देखिए महिलाओं के बारे में बहुत आजकल मतलब अलग अलग किस्म के लोगों के जो विचार हैं और अलग अलग किस्म के लोगों की धारणाएं हैं, वो मुझे जो है मैं जो सोचती हूँ वो उससे मुझे डिफरेंट लगती है। और मुझे आज भी लगता है कि महिला जो है अभी आज पूरी तरह से सशक्त नहीं है, होना चाहिए, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं या बहुत वहाँ कम प्रतिशत है लोगों का, महिलाओं का, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, प्रबुद्ध महिलाएं हैं, जो कि आज के लोगों के कहने के माध्यम के जो लोगों के अनुसार मतलब सशक्त हो चुकी हैं, ऐसी महिलाएं मुझे कम नज़र आती हैं। मैं महिला सशक्तिकरण को मैं उस समय मतलब सार्थक मानूंगी जब गांव देहात की जो औरतें अशिक्षित औरतें हैं वो भी पूरी तरह से समृद्ध हों, मतलब संपन्न हों, सफल हों और अपनी सुरक्षा खुद करने में मतलब योग्य हों, सुयोग्य हों, तभी उसको महिला सशक्तिकरण हमने पा लिया है या हमारा गोल जो है अचीव हो गया है तभी समझा जाएगा। अभी भी गांव देहात में जो है लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, शोषित हैं और उनके ऊपर पुरुष डोमिनेटिंग समाज है, ये तो उन पे पुरुषों की सत्ता जो है उनके ऊपर अभी भी काबिज है, बिना अपने पिता या पति या पुत्र की मर्जी के बिना वो कोई कदम नहीं उठा सकती, कोई निर्णय नहीं ले सकती, उनके सारे फैसले जो हैं वही लेते हैं और वही मॉनिटर करते हैं, जितना उन्होंने उन लोग अपने घर की स्त्रियों को जितनी उन्होंने छूट दी है वो उतना ही चल सकती हैं, उसके बाद वो नहीं जा सकती आगे। तो ये सशक्तिकरण नहीं है जी, ये भ्रांति है जिसे लोग शहर के लोग जो हैं उसे नहीं समझते, लेकिन मेरे नज़र में जब तक हर महिला अपने बस, लेकिन यह सशक्तिकरण की बातें मुझे इसलिए ठीक लगती हैं कि ये एक बीज है जो कम से कम कभी ना कभी तो अंकुरित होगा। जो लड़कियां हैं आज गांव देहात में भी लड़कियां पढ़ाई की, शिक्षा की, अधिकारों की बातें करने लगी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब एक बीज जो है जो अंकुरित हो रहा है लोगों के मन में, ये अच्छी बात है, ये सकारात्मक जो है हमारे सामने प्रमाण है। और धीरे धीरे जब ये वृक्ष बन जाएगा तभी हम अपना उद्देश्य जो है हम प्राप्त कर पाएंगे, लक्ष्य मिलेगा हमें पूरा। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधना जी, आप महिलाओं के विषय की बात कर रही हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, आप किसी ऐसी लड़की के सम्मुख आई, आपने किसी की मदद की और या आपने ऐसा कोई घटना देखी जिससे आपको लगता है कि हमारे इंडिया में, समाज में इस चीज़ की ज़रूरत है नारी सशक्तिकरण की? बिल्कुल, मैं आपको अपना एक उदाहरण देती हूँ। हमारे यहाँ आती थी एक मेड, आती थी काम करने के लिए, तो उसकी बेटी थी अनीता। तो एक दिन मैंने देखा कि वो न्यूज़पेपर उठा के और उसमें लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, शब्द पढ़ रही थी। कितनी बड़ी थी उस समय अनीता? तो वो ऐसी होगी मेरे ख्याल से 9-10 साल की, 10-11 साल की थी।
तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पढ़ना आता है, तो उसने मुझे कुछ पढ़ के दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इसको तो अवसर मिलना चाहिए पढ़ाई का। तो मैं उसको उसकी माँ से पूछा मैंने कि मैं इसका स्कूल में एडमिशन करा दूँ तो तुम इसको मतलब जाने दोगी स्कूल? अरे कहाँ, मैं लड़का पढ़ रहा है, लड़के को मैं उसके भी मतलब तीन बच्चे थे तो दो लड़कियों को उसने पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी, बेटे को पढ़ने भेजती थी। मैंने कहा नहीं, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, इसकी फीस मैं दे दिया करूँगी, सब इसकी किताबें मैं ला दूँगी और तुम इसको मेरे साथ जाने दो। तो उसने हाँ कर दी। तो मैं उसको लेके गई पास के स्कूल में, मैंने उसका वहाँ एडमिशन कराया प्रिंसिपल से मिलके। तो उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट देना पड़ेगा कि कौन मतलब किस क्लास में इसका एडमिशन हो सकता है, अभी तो इसे कुछ आता नहीं है। मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करिए, मैं इसको करा दूँगी। तो उन्होंने शायद उसका थर्ड क्लास में उसका तीसरी क्लास में उसका एडमिशन लिया। तो मैं उस लड़की के साथ बहुत मेहनत करती थी, मैं उसको पढ़ाती थी, उसका सारा क्राफ्ट वर्क करती थी। मैं उसके लिए मैंने खुद अपने हाथों से ड्रेस यूनिफॉर्म सिल के दी उसकी और सब कुछ किया, उसका सारा क्लास वर्क कराना, उसका होमवर्क कराना, मैं उसमें सब उसके लिए उसको बहुत कोशिश करती थी। और वो लड़की पास हो गई, फोर्थ में आ गई। बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे लग रहा था कि ये मेरी सफलता है, वो तो पास हुई, मुझे लग रहा था ये रिज़ल्ट मेरा भी निकल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो फोर्थ में भी मैंने उसके साथ बहुत मेहनत की, उसे पढ़ाया। तो वो फिफ्थ में आ गई तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई, मैंने कहा ये लड़की इसी तरह पढ़ती रहेगी तो ये जितना पढ़ेगी और मैं इसको पढ़ाऊँगी। तो वो फिफ्थ क्लास में थी है, उसके बाद में देखें एक दिन उसकी माँ बड़ी सजी धजी अच्छी सी साड़ी पहन के आई और उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र था। तो बोली ये क्या है? मैंने तो बोली कि वो अनीता की शादी कर दी, शादी तय कर दी है, आपको आना ज़रूर है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको बधाई दूँ कि मैं दुख मनाऊँ कि अभी वो बालिका वधू की शादी हो रही है, वो मुश्किल से 13-14 साल की होगी, 13-14 साल की उस लड़की की शादी हो रही है और ये जो है अब मेरे जो सपने थे कि मैं उसको पढ़ाऊँगी और उसको मैं मतलब ग्रेजुएट तो करा ही दूँगी और ये टीचर बन जाएगी या कुछ अच्छा कोई मतलब अच्छा काम कर लेगी कोई उसको, तो सारे सपने मेरे मिट्टी में मिल गए। लेकिन वो उसने क्या कर सकते हैं, बहुत समझाने की कोशिश की कि उसे पढ़ लेने दो, अरे नहीं लड़का मिल रहा है अच्छा है, अभी शादी हो जाएगी, नहीं मिला बाद में तो क्या करेंगे, पढ़ लिख के क्या करेगी। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। और देखें थोड़े दिन बाद वो उसकी शादी हो गई। और पढ़ना होगा तो बाद में उसका घरवाला पढ़ा लेगा, उसका ये तर्क था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, इन लोगों के ऊपर हमारा तो कोई जोर नहीं है। बच्चों की शिक्षा के लिए मुझे लगता है कि बच्चों से लड़कियों से ज़्यादा लड़कियों के माता पिता को सचेत होने की और जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं अभी अपने निर्णय कुछ खुद नहीं ले सकते, सोच ही नहीं सकते। 12-13 साल की लड़की क्या अपने बारे में लेगी निर्णय, जो माता पिता ने सोचा वो हो गया और लड़की की शादी हो गई। 7-8 साल बाद मुझे मिली वही अनी मुन्नी, मुझसे काम करने चली, उसकी माँ जो थी वो चली गई थी हमारे यहाँ से बाद में काम छोड़ के। फिर मुझे एक दिन 7-8 साल बाद मिली तो उसने नमस्ते की, तो मैंने उससे पूछा अनीता कैसी है, पढ़ाया भी नहीं उसने, उसने आगे पढ़ाई क्या हुई? अरे कहाँ बहू जी, 3-3 बच्चे हो गए उसके, अब तो 3 बच्चों की माँ है, बच्चों को पढ़ाएगी खुद पढ़ेगी। तो सुन के मुझे लग रहा था कि बस क्या बताऊँ मैं, मुझे कितना धक्का लगा सुन के कि उस लड़की का सुंदर भविष्य था, होशियार लड़की थी, सब गृहस्थी कर गया, सब चौपट हो गया। तो हम लोग कोशिश करें तो भी मतलब इन लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है किसी भी मुहिम के लिए। और जहाँ सपोर्ट मिल जाता है, एक आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, हमारे एक दूसरी मेट आती है, उसकी लड़की हाई स्कूल तक पढ़ी हुई थी और उसके शायद पिता या माता कोई उसी स्कूल में काम करते थे, तो उसको 2 बच्चों को फ्री पढ़ाने का उन लोगों को कंसेशन मिल गया था। तो वो उस लड़की को अपनी बेटी को उसने पढ़ा लिया हाई स्कूल तक। तो लड़की इंटेलिजेंट भी है, होशियार भी है और आर्मी स्कूल में हमारी देवरानी जो है वो पढ़ाती थी, तो उनके सपोर्ट से उसको वहाँ पे नौकरी मिल गई लड़की को प्यून की। और लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, सारे काम कर लेती है अच्छे से और वहाँ पे स्कूल में भी सबकी चहेती है। तो
अब निश्चित रूप से अपनी अगली पीढ़ी को तो वो बहुत लायक बनाएगी, इसका हमें भरोसा है कि जो बच्चों लड़कियां पढ़ जाती हैं, जो शिक्षा कम है तो समझने लगती हैं, वो किसी भी वर्ग की हों, अपनी अगली पीढ़ी को वो अपनी तरह से कुचलने नहीं देंगी, उनके लिए वो ज़रूर अच्छा सोचेंगी और अच्छा करेंगी, इसका भरोसा होता है। तो सपोर्ट करना हम लोगों का दायित्व है, हम जब तक इन लोगों को सपोर्ट करेंगे वो निश्चित रूप से उनके, अब अनीता ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, इसका मुझे विश्वास है। दूसरी लड़की जो जिसका एग्जांपल दिया कि वो आर्मी स्कूल में पढ़ा कर नौकरी करती है, मेरी देवरानी ने जिसे जॉब पे लगवाया था, वो अपने बच्चों को ज़रूर उनका भविष्य उज्ज्वल करेगी, तो अगली पीढ़ी जो होगी वो निश्चित रूप से बेहतर होगी, इसका हमें भरोसा होता है। एक और आपको एग्जाम्पल दूंगी, मेरी सिस्टर के यहाँ आती थी नौकरानी, अब ये हमारे यहाँ का जो टीचर्स का जो स्कूलों का जो मतलब माहौल है और यहाँ पे जो मतलब स्थिति है ये उसके बारे में है कि मेरी दीदी के यहाँ एक नौकरानी आती थी, बहुत होशियार थी वो, और तभी ये नए नए फ़ोन आए थे स्मार्टफोन, तो सब मैसेज पढ़ना, डिलीट करना और फॉरवर्ड करना और फ़ोटो खींचना और फ़ोटो भेजना वो सब कर लेती थी, तो जी उससे बड़ी प्रभावित थी हमारी सिस्टर, बड़ी खुश थी उससे कि ये तो बहुत होशियार है, तो उन्होंने भी उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, तो वो भी लेक्चरर थी मेरी सिस्टर, अब तो रिटायर हो चुकी हैं, और जीजाजी प्रिंसिपल थे तो वो भी अब रिटायर हो चुके हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि लड़की बहुत होशियार है तो इसको पढ़ा देंगे, और वो शायद हाई स्कूल पास इंटर पास थी, तो उन्होंने कहा कि इसको ग्रेजुएट करा देंगे हम और आगे पढ़ेगी तो हमें भी करा देंगे और फिर अच्छा इज्जतदार काम कर लेगी, नौकरी करेगी, टीचर बन जाएगी। तो एक दिन वो बैठी हुई थी और लड़की भी खुश हो गई जो उनके यहाँ काम करने आती थी, मेट बड़ी प्रसन्न कि मैं पढ़ूंगी, तो उसने जाके अपनी सास से कहा होगा। अब दुर्भाग्य इसका ये कि वो लड़की का जो पति था वो उसको छोड़ के भाग गया था, तो ये बहुत ही सास के सब पास रहती थी और उसके एक छोटा बच्चा था, तो वो उसको पढ़ाती थी, उसे उसको काम करने के लिए भेज देती थी बर्तन मांजने। जब लड़की को लगा कि उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो बड़ी खुश हो गई, उसने जाके बड़े खुश होके अपनी सास को बताया कि मुझको वो आंटी जी जो हैं मेरा मुझे पढ़ाने के लिए कह रही हैं, तो मैं पढ़ूंगी और प्राइवेट बीए का इम्तहान दे दूँगी, वो मुझे पढ़ाएंगी। तो जैसे ये हुआ तीसरे दिन देखें बड़ी लाल पीली होती हुई उसकी सास आ गई, उन्होंने कहा कि भाई आप देखो बहू जी हमारी लड़की का दिमाग मत खराब करो, हमारी बहू का वो जो कर रही है उसे करने दो। तो बोले उन्होंने कहा तुम्हें क्या परेशानी है भाई, पैसे हम दे रहे हैं, पढ़ा हम रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, काम कर रही है ना। तो बोले नहीं हमें नहीं कराना है। तो बोले क्यों, तुम नहीं चाहती हो कि पढ़े, पढ़ जाएगी तो इज्जतदार नौकरी करेगी, उसको टीचर की नौकरी मिल जाएगी। बोले टीचर की नौकरी मिल जाएगी तो कौन से बड़े मतलब उसको फ़ायदा हो जाएगा, कौन से पहाड़ तोड़ ली, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे 600-700 रुपये मिलेंगे, 1000 के ऊपर दस्तखत कराएंगे, अभी 2000 रुपये तो हंसी कमा लेती है वो बर्तन मांज के, तो ये टीचर की नौकरी करके कौन से बड़े झंडे गाड़ देगी। तो उसको सोच के वाकई मुझे लगा कि जो प्राइवेट स्कूलों में ये छोटे छोटे स्कूलों में जो आजकल कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह उगे हुए हैं, टीचर्स को क्या मिलता है, कितना उनसे काम कराया जाता है, कितना उनसे लेबर कराया जाता है और उनको मिलता क्या है बदले में, उससे ज़्यादा तो वाकई में नौकरानियाँ कमा लेती हैं। नौकरानी कोई नौकरानी आजकल 1000-1200 से कम तो लेती नहीं, और वो बोली कि 4 घर कमाएगी तो 5000 रुपये तो ऐसी कमा लेगी, 4 घर काम करेगी तो, और ये चली जाएगी पढ़ने तो बच्चे को कौन देखेगा, ये तो बच्चा अपने संग ले जाती है, बर्तन मांज ले जाती है, बच्चा खेलता रहता है ये बर्तन मांज लेती है, 4 घर काम करती है 5000 रुपये कमा लेगी, और थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो और ज़्यादा घर काम कर लेगी, और टीचर बन जाएगी तो क्या मिलेगा इसको। और फिर पढ़ी लिखी, एक मैंने उस पर कैप्शन पढ़ा था, कभी जा रहे थे हम लोग मार्केट में तो कभी कभी बड़े मज़ेदार कैप्शन पढ़ने में आ जाते हैं, एक ट्रक के ऊपर लिखा हुआ था पढ़ी लिखी लड़की, वैसे तो नारा है पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, उस पर लिखा हुआ था पढ़ी लिखी लड़की ना खेत की ना घर की, कि जब पढ़ लिख जाएगी तो वो ना खेत का काम करेगी और ना घर का काम करेगी, वो बिल्कुल निकम्मी होकर घर के अंदर बैठी रहेगी कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ मैं खेत में जाके क्यों काम करूँ, या मैं तो पढ़ी लिखी हूँ मैं बर्तन क्यों मांजूँ जाके। तो ये दूसरा पहलू है जो हमारे समाज में है
और इसका जो है निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। जो सरकारी नीतियाँ या यहाँ के जो शिक्षाविद हैं या जो नीति निर्धारक हैं वही इसका समाधान कर सकते हैं। हमारा काम इन वृत्तियों के ऊपर, इन विसंगतियों के ऊपर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना है। निराकरण करने का हक हमें नहीं है, अधिकार नहीं है, लेकिन हम अपनी लेखन से, ये तीन अध्याय में ये दोनों संस्मरण मैंने लिखे हैं, तो हम अपने लेखन से लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो नीति निर्धारक हैं, शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ के जो शिक्षाविद हैं, वो इनके ऊपर कुछ काम करें। और शिक्षा जो आजकल के प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा की स्थिति है या टीचर्स की स्थिति है, उसके बारे में कुछ सोचें और उनका कुछ निराकरण करें। जी फादर जी, आप लिखते हैं महिलाओं के विषय में, आपको अभी 2021 चल रहा है, आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो हैं कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया है, कौन सा इशू जो है जिसको सबसे ज़्यादा महत्वता देने की ज़रूरत है सरकार को या हमारे समाज को? सबसे पहले तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि महिलाओं के शिक्षित होने की बहुत ज़रूरत है। खाली यहाँ पे साक्षरता का पैमाना वो माना जाता है कि लड़की जो है अपने हस्ताक्षर कर ले, ABCD पढ़ ले तो समझते हैं ये साक्षर हो गया, वो गलत है। साक्षरता का मतलब ये है कि आपका मतलब सोच आपकी प्रबुद्ध होनी चाहिए, आपके अंदर मतलब विश्लेषण करने की, किसी भी समस्या का उसका विश्लेषण करने की, उसका समाधान ढूंढने की योग्यता आपके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। वो सही शिक्षा वो है जो कि आमतौर पे मुझे पढ़ी लिखी लड़कियों में बहुत कम दिखाई देती है। डिग्रियां तो बहुत आ गई उनके पास, लेकिन ना उनके पास साहस है, ना उनके पास अवसर है, और ना उनके अंदर इतनी मतलब योग्यता है, इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने निर्णय अपने आप कर सकें, अपनी विचार बार अपने बारे में खुद कोई फैसला कर सके। पापा ने कह दिया तो हमने किया, भैया ने कह दिया तो हमने किया, या पतिदेव ने हमसे कहा तो हमने किया, अपने आप नहीं किया। तो अब कुछ होंगी, ये नहीं कह रही हूँ अपवाद स्वरूप, ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने निर्णय अपने आप ले सकती हैं और निश्चित होती हैं, लेकिन उनसे कह के ये नहीं कह सकते हम कि पूरी महिला जो है सब सशक्त हो गई है। आज भी देखिए भ्रूण हत्याएँ जो होती हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं की होती हैं। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि टिहरी गढ़वाल के पास कोई गांव है, वहाँ पे जो उनका जो रिकॉर्ड देखा गया हॉस्पिटल्स के अंदर, तो साल भर का, डेढ़ साल का रिकॉर्ड था कि उसके अंदर कोई महिला, कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। तो क्या ये संभव है? जो लड़कियाँ गर्भ में आई उन्हें गर्भ में ही मार दिया। अभी भी ये परीक्षण हो रहे हैं, हालांकि ये अपराध है कि आप भ्रूण परीक्षण करवाएं कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन अभी भी ये परीक्षण हो रही है। इस तरह की घटनाएं 2021 आ गया है तो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो क्यों ये लड़कियों के प्रति इतना अन्याय क्यों? उनको पैदा नहीं होने दिया जाता, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, घर के अंदर बेटा है बेटी है दोनों के अंदर भेदभाव किया जाता है, फर्क किया जाता है। बेटे को सारे अवसर दिए जाएंगे पढ़ने के, लड़की को अगर धनी है माता पिता तो उनके यहाँ शायद ना होता हो, लेकिन अगर जहाँ पे अभाव है, जहाँ पे पैसा नहीं है, वहाँ पे वर्चस्व जो है बेटे को मिल जाएगा। बेटी को एक तरफ करने उसको बाहर भेजना है तो पहले बेटे का एक वो जो है निर्णय लिया जाएगा कि बेटे को पढ़ा दिया जाए, बेटी को चलो BA करके शादी तो करनी है, MA करा दिया, दादा जब तक शादी नहीं हुई तब तक पढ़ा दिया। गाँव देहातों में तो ये भी सुविधा नहीं है, उनको ये भी प्रेफरेंस नहीं मिलता। क्यों आज होता है ऑनर किलिंग के नाम पे लड़कियों को मार दिया जाता है? उन्हें प्रेम करने का अधिकार नहीं है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, उन्हें जन्म लेने का अधिकार नहीं है। किस उससे कहते हैं लोग कि ये महिला सशक्तिकरण नहीं है? ये महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये महिला जो पैदा हो गई है किसी तरह, उसको किस तरह से दबाया जा रहा है, उसको किस तरह से कुचला जा रहा है, उसे किस तरह से मतलब उसका शोषण हो रहा है, उसको आए दिन देखिए बलात्कार की खबरें आती हैं। तो ये कहाँ महिला सशक्त हुई है? क्यों नहीं बचा पाई वो अपने आप को? इसके लिए मेरा जहाँ तक मानना है कि परिवारों के अंदर अपने बच्चों को जो है जो संस्कार दिए जाते हैं उसके प्रति माता पिता को जो है और सचेत होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं, किसी ऐसी गलत बात को होने देना ही नहीं चाहिए, और होता हो कहीं हो रही है तो उसे कैसे रोकना चाहिए। बेटों को
जितना लड़कियों को दबाया जाता है, लड़कों को भी संस्कार दिए जाएँ, लड़कों को भी शिक्षा दी जाए, उनको भी सिखाया जाए कि नारी क्या होती है और नारी का सम्मान कितना ज़रूरी है। और बिना नारी के तो समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती, नारी नहीं होंगी तो कहाँ से बच्चे भी कहाँ से पैदा होंगे। तो ये बातें जो हैं ये मुझको हमेशा कचोटती हैं, और जब तक एक भी खबर इस तरह की समाचार पत्रों में आती रहेगी मैं इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि महिला आज की सशक्त हो गई है। और ये सब खाली नारेबाजियाँ और मतलब रैलियाँ निकालने से और घोषणाएँ करने से कुछ नहीं होता, ये जब तक व्यावहारिक रूप से नहीं मतलब हो जाता समाज के अंदर उसे मैं सशक्तिकरण नहीं मान सकती। महिला को उस खुद को अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और समाज में इतनी जागरूकता होनी चाहिए, समाज में इतने लोगों के अंदर इतने संस्कार होने चाहिए कि क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये होनी ही नहीं चाहिए। तो लोग क्यों नहीं समझते हैं इस बात को, तो इसका मुझे अफसोस होता है। तो जब तक ये अफसोस मेरे दिल में मरता रहेगा मुझे लिखने के लिए प्रेरित करता रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस विषय पे भी मैंने निर्भया कांड हुआ था, मैंने उस विषय पे भी काफ़ी लिखा है, ब्लॉग पे भी है और पुस्तकों में भी है जी। सरना जी, हमारा ये शो काफ़ी यंग लोग भी देख रहे हैं, कई जो लेखक जो बहुत उम्र में छोटे हैं आपसे, और कई लोग जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी, कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए अब मैं तो संदेश देने लायक कोई मेरी हैसियत है मैं समझती नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के प्रति मेरे मन में जो मेरे एक ही संदेश है कि अपने मन में संवेदनाओं को जिंदा रखें, जीवित रखें, कभी भी आत्म केंद्रित ना हों, जो आपके आसपास हो रहा है उसके ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए, उसके प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए, और जहाँ कुछ गलत हो रहा हो, जहाँ कुछ अनुचित दिखे आपको, तो उसको रोकने के लिए ज़रूर प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो होता हो रहे हैं हमें क्या करना है, हमें इससे क्या वास्ता, ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए हर इंसान का। जो कुछ आपको लग रहा है कि अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको ज़रूर रोकने की जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, जितनी भी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, तभी हम हो सकता है कि समाज को हम अपने रहने योग्य बना सकें। बहुत दिलचस्प किस्से सुनाए सरना जी आपने, धन्यवाद। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, आपसे बहुत कुछ सीखा आज मैंने भी और हमारे दर्शकों ने भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट शो में आई, थैंक यू सो मच, और आपसे फिर मुलाकात करेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। धन्यवाद राधा, अनुराधा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करती हूँ कि आपके इस शो के माध्यम से और लोग भी इन चीज़ों के बारे में सोचें, और कोई एक लॉ जो है वो जगे जागरूकता की, और लोग इसके लिए कुछ निराकरण सोचें, कुछ काम करें, मुझे अच्छा लगेगा। आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।